सुबह उठकर आप तरह तरह की बातों के बारे में सोचते हैं, कभी क्या खाना खाएं, ऑफिस में क्या नया करें, या आज अखबार में कौन सी नई खबर आई होगी। इस तरह की कई बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, लेकिन जिस बात पर हम ध्यान नहीं देते वो है हमारी हेल्थ। आप शायद ही अपनी सेहत के बारे में कुछ देर सोचते होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नमस्कार, हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी हेल्थ कितनी जरूरी है। अगर बात किडनी के बारे में करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है, जिसका सही तरीके से फंक्शन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किडनी हमारी बॉडी और खून में मौजूद टॉक्सिन्स को साफ करती है, और अगर किडनी अपना ये फंक्शन ठीक तरह से ना कर पाए तो बॉडी में कई केमिकल्स और वेस्ट जमा होने लगते हैं, और इस पर ध्यान न देने से ये जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही आपको बता दूं, किडनी एक दिन में खराब नहीं होती, ये धीमे धीमे बिगड़ती है, और यहाँ आती है हमारी लापरवाही, क्योंकि हम सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते। किडनी का फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता और किडनी फेलियर जैसी समस्या होने लगती है। यह आपके लिए जानना जरूरी है कि किडनी फेलियर कैसे होता है। दरअसल किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी ब्लड को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाती। ऐसे में किडनी में मौजूद फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं। किडनी फेलियर में आपकी डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लगातार हाई सोडियम या हाई शुगर वाला खाना खाने से किडनी में समस्या होने लगती है। कई लोग जिन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें किडनी डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है। परेशान न होइए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब आपकी किडनी सही से वेस्ट फिल्टर नहीं कर पाती और आप इस पर ध्यान भी नहीं देते, तो दो कंडीशन डेवलप होती हैं। एक है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जो धीमे धीमे किडनी के फंक्शन को कम करती है, और दूसरा है अक्यूट किडनी फेलियर। इसमें आपकी किडनी एकदम से काम करना बंद कर देती है। दोनों ही तरह के किडनी फेलियर का इलाज मौजूद है, और अगर आप शुरुआत से ही अपनी सेहत पर ध्यान दें तो आप आसानी से किडनी को और डैमेज होने से पहले ही रोक सकते हैं। किडनी डिजीज होने के दौरान सबसे जरूरी है डाइट। अगर आप एक अच्छी और किडनी फ्रेंडली डाइट ले रहे हैं तो आप आसानी से किडनी को दोबारा हेल्दी भी कर सकते हैं। एक अच्छी किडनी डाइट में लो सोडियम और लो फैट वाला खाना होता है। किडनी डाइट से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे शो हेल्दी तड़का की वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ हमने सभी तरह के खाने की रेसिपीज शेयर की हैं जो किडनी पेशेंट्स आराम से खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किडनी फेलियर के सही ट्रीटमेंट के बारे में। दरअसल किडनी ट्रीटमेंट को लेकर कई तरह के मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं। कोई कहता है डायलिसिस ही इसका एकमात्र इलाज है, तो कहीं किडनी ट्रांसप्लांट करवाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन आपको बता दें, ये दोनों ही आपकी किडनी को पहले की तरह ठीक नहीं कर सकते। जहां डायलिसिस एक बहुत ही महंगा और दर्दनाक इलाज है, वहीं किडनी ट्रांसप्लांट भी आसानी से नहीं होता। ये दोनों किडनी के लिए सही इलाज नहीं है, बल्कि बस एक विकल्प है, और किडनी का सही इलाज है आयुर्वेद। दरअसल आयुर्वेद सिर्फ किडनी डिजीज के सिम्टम्स को रोकने का काम नहीं करता, बल्कि किडनी को पहले की तरह ठीक करने में विश्वास रखता है। अगर बात आयुर्वेदिक उपचार की करें तो कर्मा आयुर्वेदा आपकी किडनी के लिए सबसे बेहतर उपाय है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद है, जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करके अपनी किडनी के बारे में हमें लिखकर साझा करें। हमारी टीम आपसे 24 घंटों के अंदर खुद संपर्क करेगी। इंडिया के बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये
रिपोर्ट है इनकी, इसके अंदर 8 जुलाई 2019 की रिपोर्ट है, क्रेडिट लाइन 9.3 के आसपास है इस रिपोर्ट के अंदर, 9.3 8 जुलाई 2019, और मात्र और केवल एक महीने में ये क्रेडिट लाइन 9 से लेके 3 कैसे आ सकता है, उसका उदाहरण है मिथिलेश देवी जी। और ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है गुड़गांव से, कराई है रिपोर्ट आपने जी, और उसके बाद अब ये इन्होंने रिपोर्ट कराई है 13-8-2019, क्रेटनाइन इसके अंदर घटके हो चुका है 3.2 आ चुका है इसमें क्रेटनाइन। आप देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट्स में साथ में लगा दो, 9.3 था क्रेटनाइन 8 जुलाई 2019 को, और अब जो है 13 अगस्त को ये क्रेटनाइन घटके हो गए 3.2। किस प्रकार से ये बढ़ता हुआ क्रेटनाइन था, और ये बढ़ा भी नहीं है और रिड्यूस भी हुआ है पहले से, ये रिपोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। केवल और केवल एक महीने के अंदर पेशेंट जो है डायलिसिस से बाहर आ चुके हैं, डायलिसिस की इनको रिक्वायरमेंट अब नहीं है, ये रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। 9 से 3 हो चुका है क्रेटिन, अब ये रिपोर्ट्स आप किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे वो कहेगा इनको डायलिसिस की अब जरूरत नहीं है, डायलिसिस से टोटली बाहर है। तो ये इन्होंने लग के फॉलो करा, और 56 ईयर ओल्ड मिथिलेश देवी ओरिजिनली बिलोंग्स टू मेरठ मुजफ्फरनगर, पानीपत से भी टेस्ट हुए हैं इनके और गुड़गांव से भी इन्होंने टेस्ट करा, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे इनको विजिबल हुए, डायलिसिस के प्रोटोकॉल को बीट कर दिया इन्होंने, और साथ साथ सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी रिड्यूस हुई है, और क्रेटिनाइन 9 से लेकर 3 के रेंज में आ चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।